हेलो माय फ्यूचर फैशन डिजाइनर्स, वेलकम टू दिस चैनल एनजी डिजाइनिंग एंड आर्ट्स। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूं जिसमें हम सीखेंगे प्लाजो पैंट्स की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहां पर मैंने प्लाजो पैंट की मेजरमेंट्स दे दी है, आप भी अपनी मेजरमेंट नोट कर लें। यहाँ पर मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है जिसको डबल फोल्ड किया है। अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर मेरा कपड़ा नीचे से छोटा बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें 1.5 इंच का मार्जिन मार्क कर लेना है। और उसके बाद जैसा कि मुझे लेंथ 35 इंच चाहिए तो मैं यहाँ से 35 इंच मेजर कर रही हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 35 इंच है। 2 मीटर कपड़े में 37-36 इतना ही लेंथ का बन पाता है। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप बेल्ट के थ्रू इसको इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हिप राउंड 34 है, जिसमें 4 ऐड करेंगे तो 38 होगा। इसका 4th पार्ट करेंगे तो 9.5 आएगा। इसलिए यहाँ पर हम वेस्ट के लिए 9.5 बस 1/2 इंच ऐड करके 10 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद से 10 इंचेस से नीचे भी 9.5, उसमें 2 ऐड करेंगे 11.5 पे मार्किंग करेंगे। ध्यान देने वाली बात ये है, जितना भी है उसको सेम प्रोसेस से यहाँ पे हमें मार्क करना है। लेकिन ये जो आसन के लिए मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 9.5 प्लस 2 करके 11.5 पे मार्क किया था। ये हमेशा इतना ही अप्रॉक्स रहेगा। आप 1 या 2 इंच बस घटा बढ़ा सकते हैं, उससे अधिक नहीं करेंगे। उसके बाद 11.5 इंचेस से आगे की तरफ भी हम 2 इंचेस पे मार्क करेंगे। इस मेजरमेंट को मेजर करेंगे तो ये 12 इंचेज आ रही है। नीचे भी हम 12 इंचेज पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से भी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब हम प्लाजो पैंट का शेप देंगे। उसके बाद हम आसन का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा घेरा चाहिए तो आप उसके लिए 1 या 2 इंच सिर्फ बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे 2 इंच आ रही हूँ। अगर आप उससे अधिक बढ़ाओगे तो एक साइड में घेरा अधिक आ जाता है, जो नहीं लगता। अब इसके बाद मैं फिर से फाइनल प्लाजो पैंट का शेप दे रही हूँ। यहाँ पे हमारी मार्किंग तैयार है। अब हम इसको कट कर लेंगे। इसको ओपन कर लेंगे। इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। हमें 1/2 इंच का अलाउंस मार्क करना है और फिर इस पे स्टिच देना है। नीचे भी मार्जिन को हमें फोल्ड कर लेना है। बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। जो भी वेस्ट के लिए हमने मार्किंग की थी 1 मार्क करना है और इसमें प्लस 2 ऐड करके 40 हमें लेंथ चाहिए और 4 इंच की वाइड पे मार्क कर लेना है। यहाँ मुझे लेंथ एक्स्ट्रा नहीं करनी थी, मुझे 35 इंच की लेंथ ही चाहिए थी, इसलिए मैं बेल्ट के थ्रू लेंथ को नहीं इंक्रीज करूँगी। अगर आपको लेंथ अधिक चाहिए अब तो बेल्ट की वाइड अधिक रख लो और उसके बाद अटैच करते समय इसके थ्रू हम लेंथ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने स्टिचिंग कर ली है इस पे साइड पे और नीचे मार्जिन भी मैंने स्टिच कर दिया है।
अब उसके बाद हम दोनों साइड्स को लेंगे और एक साइड को सीधी साइड रखेंगे और एक साइड को उल्टी और इसको इस तरह से इसके अंदर लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ आसन की स्टिचिंग करेंगे। यहाँ मैंने स्टिचिंग कर ली। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। यहाँ देखिए मैं बेल्ट को कैसे अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे ही आपको ध्यान देना है कि अगर आपको लेंथ बढ़ाना, यहाँ मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है और इस साइड भी स्टिचिंग दे दी है। उसके बाद से एक टॉप स्टिच भी दे दिया है। अब मैं बेल्ट को स्टिच करूंगी रबर लगाने के लिए। यहाँ पर ही आपको ध्यान देना है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी लेंथ इंक्रीज नहीं कर रही हूँ बेल्ट के थ्रू, सिर्फ रबर लगाने के लिए ये बेल्ट बना रही हूँ। अगर आपको लेंथ इंक्रीज करना है तो आप इसको और ऊपर से अटैच करेंगे अधिक वाइड की बेल्ट को, तो उसके थ्रू आपका लेंथ बढ़ जाएगा। हाँ, मैं पहले इसे बीजेट पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ। बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमारा प्लाजो पैंट बनके तैयार है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी।